गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। मेरी एंगेजमेंट के बाद फर्स्ट राखी थी और मैंने बहुत ज़्यादा खाया है, स्पेशली बना मेरे लिए था तो मैंने बहुत ज़्यादा खाया है। एंड उसके बीच में था एक दिन जो कि कल था, कल मैंने पूरे दिन किया डीटॉक्स। आज सुबह मैंने अपना वेट चेक किया है, 1.8 केजी मैंने शेड करा है, टचवुड। एंड आज है मेरी बेस्ट फ्रेंड का रोका, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे। एंड मुझे जाना है रोके पे और मुझे दिखना था प्रॉपर शेप में। मैं कल बहुत स्ट्रेस में थी बट कल सुबह मैं जल्दी उठ गई एंड मैंने किया है डीटॉक्स। बहुत ही सिंपल डीटॉक्स का प्लान है, बहुत ही सिंपल रेसिपीज है, उसकी हेल्प से आपका भी जो गेन वेट है वो लूज़ हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप डिटॉक्स करवा रहे हैं, मेक श्योर यू सिट एट होम, डू नथिंग, जस्ट लाई डाउन एंड टेक सम गुड रेस्ट। मालिश करा लो आप किसी से, गर्म पानी से दिन में दो बार शार ले लो एंड गुड टू गो। बहुत सिंपल प्लान है, चलते किचन में स्टार्ट करते हैं विद मॉर्निंग ड्रिंक। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए शूट किया था व्हाट ऑल दी थिंग्स जो कि मैंने खाया है एंड जिसकी हेल्प से मेरा जो डिटॉक्स हुआ है एंड स्टमक क्लीन हुआ है एंड मैं बैक टू नॉर्मल शेप में आई हूँ। लेट्स गो। अब हम बना रहे हैं मॉर्निंग ड्रिंक। मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कप तेज गरम पानी एंड इसमें मैं डालूंगी नींबू। एंड ये हम लेंगे अपना मॉर्निंग ड्रिंक। मूव टू ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए दो ब्राउन ब्रेड में टोस्ट कर रहे हैं, एक एक दो दो ड्रॉप हमारे घी के अंदर। यहाँ बनाएंगे पनीर भुर्जी का सैंडविच। ओके, यहाँ पे मेरे पास बनी हुई है पनीर की भुर्जी। दो ब्राउन ब्रेड के अंदर मैं लगा रही हूँ मेरी पनीर की भुर्जी। इसमें नामात्र जितना नमक है, बिल्कुल नामात्र जितना नमक ये मैंने कर दिया इसके ऊपर। ऊपर से मैंने कोई सॉल्ट नहीं डाला है। सो हियर वी गो, हमारा ब्रेकफास्ट। एंड यहाँ पे मैंने लिया ग्रीन टी। आप कोई भी ग्रीन टी प्रेफर कर सकते हैं, मैं ऑर्गेनिक इंडिया की तुलसी ग्रीन टी ले रही हूँ। सो हियर वी गो, ब्रेकफास्ट इज रेडी। मिड ब्रेकफास्ट में हम लेंगे एप्पल। आप कोई भी सीजनल फ्रूट अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं जो कि लोकली आपके घर पे उस समय हो। ओके, यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच। पैन मेरा गर्म हो गया है, थोड़े से डाल दिए मैंने सरसों के तेल में जीरा। इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, प्याज को हमने सॉटे करना है अच्छे से। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी टमाटर। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हल्की सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर, ये धनिया पाउडर था और ये रहा जीरा पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे हम। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी यहाँ पे मेरे सोयाबीन जो मैंने सोख कर रखे थे गर्म पानी में, थोड़े से गिर गए। अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर एक दो चम्मच। इसको हम ढक देंगे, तीन से चार मिनट के लिए इसको पकने देंगे और उसके बाद ये रेडी। ओके, अगर आपको सोयाबीन का सैलेड पसंद नहीं है, अगर आप मेरे चैनल से पनीर का बना कोई भी सैलेड आप पिक कर सकते हो, उन सबके लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड वो बिना नमक के आपने लेना विदाउट सॉल्ट। सो हियर वी गो, माय लंच इज रेडी। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं शतावरी की टी, इवनिंग टी के लिए। ये मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से ले रही हूँ शतावरी, है ना संजना, और रिजल्ट जो है वो अमेजिंग है, स्पेशली इंचेस लॉस। सो दो स्टिक मैंने यहाँ पे डाल दिया, अब इसको उबलने देंगे खूब अच्छे से। मेरी शतावरी बिल्कुल रेडी है, इतने अच्छे से फ्लॉश ऑफ करती है ना एक्सेस वाटर, जितना भी एक्सेस सॉल्ट मसाले गए हैं आपकी बॉडी के अंदर। साथ में ले रहे हैं मखाना विदाउट सॉल्ट, हल्का सा देसी घी में भुना हुआ। एंड ये रही हमारी इवनिंग टी। शतावरी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। शाम के बज रहे हैं 6,
मैं अभी डिनर कर रही हूँ एंड मैं यहीं पे आप लोगों को बोलूँगी अभी आप डिनर अपना फिनिश करो। डिनर में हम लेंगे एक गिलास ग्रीन जूस। जूस हम कौन सा लेंगे? यहाँ पे मेरे पास है खीरा, एक खीरा, आधा घिया और एश गार्ड थोड़ा सा। सो अब हम बनाएंगे इन सबका जूसर में जूस। इतना ही जूस हमें चाहिए डिनर में, अप्रॉक्सीमेटली 6 o'clock के आसपास, 6:30। एंड इट्स गुड। रात के बज रहे हैं 10:30। थोड़ी सी कॉल्स में और लूँगी, उसके बाद 11 बजे तक ये जब नॉर्मल हो जाएगा पानी, हम लेंगे लेमन ग्रास टी एज अ नाइट ड्रिंक और आज हम टाइम पर सो जाएंगे। ये डाले मैंने लेमन ग्रास के ड्राई लीव्स, इसके अंदर हम सोक कर देंगे 15-20 मिनट तक रखेंगे। बहुत तेज़ गर्म पानी है जब तक कि बिल्कुल अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएगा और उसके बाद हम इसे स्ट्रेन करके पियेंगे। वेलकम बैक। सो ये था पूरा का पूरा मेरा डिटॉक्स का प्लान एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। 2 kilo तक आराम से आप शेड कर लोगे जस्ट इन वन डे जैसे मैंने किया है एंड आप बैक टू शेप में आ जाओगे। बट मेक श्योर इसको आप लाइफ स्टाइल नहीं बनाएंगे। सो शेयर दिस वीडियो एज मेनी एज यू कैन जिन जिनको डिटॉक्स का प्लान चाहिए एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर जी, बाय बाय।